नमस्कार दोस्तों, आपका आईजी टेक में स्वागत है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या ये निकल के आ रहा है, आए दिन लोगों का फेसबुक अकाउंट हैक हो जा रहा है और उनको पता भी नहीं लग रहा है कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो चुका है। हो सकता है कि आपका भी फेसबुक अकाउंट हैक हो और आपको पता न हो कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक है। पता तब चलता है कि आपका दोस्त आपसे कंप्लेन ये करता है कि भाई आपने इस तरीके का पोस्ट क्यों किया था, ब्लैकमेलिंग वाला लग रहा है, जैसे पैसा मांगने वाला। आप जानते हैं जब भी आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, आपका जो पासवर्ड होगा, जो आपका फोन नंबर होगा, आपका सारा चीज जो है हैक हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे दो तरीका ऐसे बताऊंगा जिस तरीका से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है ये हैक है कि नहीं है। और लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीका से माध्यम से आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, आप उसे हैक होने से बचा सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को वॉल पे जरूर सेलेक्ट करिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर जो है थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना होगा। थ्री लाइन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। अगेन यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना होगा। सेटिंग्स पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे देखिए लिखा है इफ यू थिंक योर अकाउंट वॉज हैक्ड, अगर आपको लगता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इस तरीके से आपको भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक है। आपको यहाँ जो सेकेंड नंबर दिखाई दे रहा है, समवन एल्स गॉट इनटू माय अकाउंट विदाउट माय परमिशन, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिना परमिशन के कोई मेरे फेसबुक अकाउंट में घुस चुका है, तो आपको ऐसा लग रहा है तो आपको यहाँ सिंपल सा टिक कर लीजिए। टिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे चेकिंग के लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे सिंपल से क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चेकिंग योर लिंक्ड अकाउंट, आपको यहाँ पे नेम से लेकर के बर्थडे, पासवर्ड, सब चीज आपका चेकिंग होगा, फोन नंबर वगैरह कि आपका हैक है कि नहीं है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग हो रहा है। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं कीप योर अकाउंट सिक्योर, अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए आप, या फिर ईमेल को चेंज कर दीजिए, फोन नंबर को चेंज कर दीजिए जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो सके। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद आपका भी देखें कुछ न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं करंट यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, उसके बाद न्यू पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड जो है चेंज कर दीजिए, आपका अकाउंट जो है सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैक इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। एक और तरीका है पता लगाने का, आप जो जो चीज किए रहेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेयर यू आर लॉग्ड इन, यहाँ जो सी आल दिखाई दे रहा है सी आल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर लीजिए ऐसा कोई फोन तो नहीं है जिसमें आप लॉग इन किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे में दो दिखाई दे रहा है जो की एक ही फोन है, पोको M3 5G है, ये जो मेरा ही फोन है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फोन नहीं है, दूसरे में लॉगिन हुआ है, तो आप करिए क्या, उसके सामने वाले पे थ्री डॉट होगा, थ्री डॉट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर अकाउंट या लॉगआउट होगा, आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, लॉगआउट पे क्लिक कर लीजिएगा। लॉगआउट पे क्लिक कर लेने के बाद आपका यहाँ से वो चीज हट जाएगा, आपका लॉगआउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेने के बाद आप इस तरीके से जान सकते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक है कि नहीं है। लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जो है जिंदगी भर के लिए अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। वो तरीका ये है कि यहाँ पे जो दिखाई दे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन,
आपको देखेंगे तो मिल जाएगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने का कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखा सेलेक्ट सिक्योरिटी मेथड, यहाँ आप देख सकते हैं एथेंटिकेशन ऐप दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट मैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको जो सेकेंड नंबर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट मैसेज, आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद आपको फोन नंबर देना है, आपका फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपका ओटीपी आएगा, भी इंटर दी 6 डिजिट ओटीपी आएगा। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ देखिए फॉर सिक्योरिटी प्लीज री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर दीजिए, जिस तरीके से मैं अपना पासवर्ड इंटर कर दिया हूँ। पासवर्ड इंटर कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन, आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ऑन हो चुका है। अब आपका क्या होगा, कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर पाए। कारण यह है, अगर मान लीजिए उसने पासवर्ड पता कर लिया, तो आप जैसे लॉगिन करने जाएगा और आपके पास एक ओटीपी आएगा, बिना ओटीपी के वो जो है लॉगिन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आप जो अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।